वेलकम बैक टू आमना दीदी व्लॉग्स। होप सो कि आप सब ठीक होंगे, मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको अच्छे मेरे कंटेंट अच्छा लगता होगा। तो मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझे डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, जहाँ पर भी आप मुझे मैसेज करते हो मैं लाजमी आपके मैसेज देखती हूँ और रिस्पॉन्स अक्सर करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतने सारे मैसेजेस को कैसे बंदा रिस्पॉन्स करे। कुछ लोगों को मैं रिस्पॉन्स करती हूँ, कुछ लोगों को नहीं कर पाती, तो एक ही सोल्यूशन है कि मैं डायरेक्ट एक वीडियो बना के आप सबको जवाब दे दिया करूँ। और ज़्यादातर जो आपके मैसेजेस होते हैं वो ज़्यादातर जो है ना पैसे कमाने, ऑनलाइन अर्न जो है ना इसके बारे में होते हैं कि आप हमें कोई तरीका बता दें, हम घर बैठ के भाई पैसे बना लें, हमारे लिए आसानी हो जाए। मतलब आजकल जो बंदे जॉब करते हैं, जॉब करना कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। और मुश्किल काम होने के बावजूद भी आप कहते हैं कि आप अपने 24 घंटों में से तकरीबन 8 से 10 घंटे तो आप अपनी जॉब पे गुजार देते हैं। मतलब इतना सारा टाइम आप अपना एक चीज़ को देते हैं लेकिन वो आपको उसके बाद में पैसे कोई अच्छे पे नहीं कर रहे होते आपको। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही आपको मंथ का पे करेंगे, तकरीबन 20,000-25,000, ज़्यादा से ज़्यादा भी 50,000 तक आपको पे करेंगे। आजकल तो आपको पता है महंगाई भी बहुत हो गई हुई है, बिजली का बिल होता है, गैस का बिल होता है, गैस तो उसके अलावा और भी काफ़ी सारे आपके घर के खर्चे होते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस इतनी होती है, हर चीज़ में महंगाई हो गई हुई है। तो आप लोग कहते हो कि हमें कोई ऐसा ही कोई तरीका मिले कि हम घर बैठ के हमारे पास पैसे आते जाएँ और मतलब ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। आपको काफ़ी सारे तरीके बताए हैं और कुछ लोगों को उसकी समझ आई भी है, कुछ लोग मुझसे फिर भी उसके बारे में सवाल करते हैं। तो गाइज़ मैंने आपको टिकटॉक से किस तरीके से पैसे बनाते हैं मैंने आपको वो भी बताया, यूट्यूब से किस तरीके से बनाते हैं, नेटफ्लिक्स से किस तरह से बनाते हैं, मैंने आपको 5-6 तरीके बताए कि आपको उससे समझ आ जाएगी, उनसे बहुत ही आसान तरीके थे। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो 5 ways to earn money ये वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अटैच कर रही हूँ, आप एक दफा इसको भी गौर कर लेना। तो आप लोगों ने ज्यादातर फोकस किया था वो वीडियो ये थी कि आप हमें यूट्यूब के बारे में बताएं कि यूट्यूब पर किस तरह से पैसे बना सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोग, बल्कि तकरीबन पूरी दुनिया में 40% लोग लगा लें कि वो यूट्यूब की तरफ आ रहे हैं, जो 60 रह गए हैं वो इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि अभी उन्हें समझ नहीं आ रही है कि किस तरह से हमने स्टार्ट लेना है। स्टार्ट में वो कहते हैं कि हम अपना फेस नहीं शो करवाना चाहते, मैंने उसका भी आपको सोल्यूशन बताया कि अगर आप अपना फेस शो नहीं करवाना चाहते तो आप फिर भी अर्न कर सकते हैं। वो किस तरह से अर्न कर सकते हैं मैंने डिटेल में आपको ये वाली वीडियो में बताया था, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका अटैच किया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेकिन आज जो मेरी वीडियो का मकसद है वो ये है कि आपको मैं तरीका बताऊं कि आपने यूट्यूब चैनल किस तरीके से बनाना है अपना। मैंने आपसे कहा था आप मुझे कमेंट करें कि किस चीज़ पर ज़्यादा आपने फोकस करना है, किस चीज़ के बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो आप लोगों ने ज़्यादातर फोकस किया था यूट्यूब पर कि आप यूट्यूब की तरफ आएँ, यूट्यूब का हमें बताएं क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना इसकी तरफ आ रहे हैं। तो गाइज यूट्यूब चलाना आसान काम नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। आप अगर इसमें स्टार्ट ले लेते हैं आपका फ्लो बन जाता है, आप कंटिन्यू करने लग जाते हैं, आपको एक चीज़ की समझ आ जाती है कि ये प्रोसेस किस तरह से सारा काम किस तरह से चल रहा है, तो आपके लिए मुश्किल की बात नहीं होती। हाँ स्टार्टिंग पे आपके लिए मुश्किल होती है कि आपको व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, आपको लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, आपकी वीडियोज़ को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वो ज़रा परेशान हो जाते हैं और आप जो है ना छोड़ देते हैं, आप दिल हार जाते हैं, आप कहते हैं नहीं अब नहीं हमने इस पे कंटिन्यू करना, हम छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल आपने ये नहीं करना, ये बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ था, मैं आपको अपनी जर्नी भी बताती हूँ। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने किस तरह से स्टार्ट लेना है, किस तरह से आपने चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है और आपने हिम्मत नहीं हारनी। तो गाइज यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हर एक बंदा जो है 18+ है तो वो यूट्यूब चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकता है और ये आपको यहाँ से अच्छी खासी इनकम आपकी बनती है। आप शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हैं, आप व्लॉग्स अपलोड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप इस तरह जो आप इजी आपके लिए काम हो, पोस्ट भी आप पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट मतलब पिक्चर्स वगैरह भी पोस्ट कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, आपने जिस तरह सिंपल आपने फर्स्ट स्टेप जो है आपका वो ये है कि आपने गूगल पे अकाउंट बनाना है, ठीक है। गूगल पे आपने अकाउंट बनाया होगा, जीमेल का अकाउंट आप बना देते हैं आराम से, आपने बनाया ही होगा जीमेल का अकाउंट। सबसे पहले जीमेल का अकाउंट बनाने के बाद आपने अपने यूट्यूब पे जाना है और उसी जीमेल अकाउंट को आपने लॉगिन कर लेना है, तो आपका यूट्यूब का अकाउंट बन जाएगा। अब आपकी प्रोफाइल आ जाएगी, प्रोफाइल में आने के बाद आप अपनी पिक्चर वगैरह सेट कर लेनी है, अपना बायो वगैरह सेट कर लेना है। मैं आपको ना साइड पे ये आप देखें, यहाँ पर मैं आपको तरीका भी साथ साथ गाइड कर रही हूँ कि आपको समझ लग जाए करना क्या है। आपने जीमेल पे कोई सा भी अकाउंट बना लिया फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप आपका ये हो गया कि आपने जाके यूट्यूब पर अपने आप को लॉगिन कर लिया, अब आपका अकाउंट बन गया है, पिक्चर वगैरह आपने सेट कर लिया है, बायो आपने लगा लिया है, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने बारे में कि आप कौन है, आप क्या करते हैं, आपका व्लॉगिंग चैनल है, आपका ये किचन के व्लॉग्स का चैनल है, आपका किस तरह का चैनल है, आप उसमें बता सकते हैं। इसके बाद इसमें कुछ सेटिंग्स वगैरह होती हैं, वो सेटिंग्स आपने करनी होती हैं, लाइक आपका इंटरटेनमेंट का चैनल है ये मैंने आपको बताया, आर्ट एंड क्राफ्ट का है, व्लॉग का है,
टेक का है या कोई सा भी आपका चैनल है, आप इसमें कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। ये था सिंपल सा तरीका कि आपका अकाउंट बन जाएगा। अब आप इस पे पोस्टिंग करें, आपकी मर्जी है आप डेली व्लॉग्स पोस्ट करें, आपकी मर्जी आप अपना फेस ना शो करवाएं, आपकी मर्जी आप शॉर्ट्स। अब आते हैं शॉर्ट्स की तरफ कि आप शॉर्ट अपलोड कर सकते हैं। शॉर्ट्स मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से आप टिकटॉक पे 60 सेकंड की वीडियो अपलोड करते हैं ना, यहाँ पे शॉर्ट्स 60 सेकंड या 60 सेकंड से कम तक का ना वो शॉर्ट होता है। तो यहाँ पर आप शॉर्ट्स अपलोड करने पर आपको पैसे कितने मिल जाए, मैं आपको ये भी बताती हूँ। मेरी एक वीडियो है वो 1.5 मिलियन क्रॉस की और वहाँ पर मुझे $20 मिले हैं। अब 1.5 मिलियन इतने ज़्यादा व्यूज़ क्रॉस करना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन आप देखते होंगे टिकटॉक पे फजूल से फजूल वीडियोस जो होती हैं उस पर भी व्यूज़ आ जाते हैं। तो वही वीडियोस अगर आप यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो आपको उससे फ़ायदा होगा। यानी कि ये कह लो कि मैंने एक व्लॉग बनाया है, मिनी व्लॉग जो कि एक मिनट का है, वो व्लॉग मैं टिकटॉक पे पोस्ट कर रही हूँ, वो व्लॉग मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही हूँ, वो व्लॉग मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ। तीनों प्लेटफॉर्म पे एक ही व्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ और उससे मुझे फ़ायदा हो रहा है और आपको भी इससे फ़ायदा हो सकता है। आप कोई सा भी अपना एक ले लें, आप टॉपिक ले लें एक, उस पर अपनी वीडियोज़ वगैरह बनाएं और उस पर पोस्टिंग करें। यूट्यूब जो है वो टिकटॉक से ज़्यादा आपको पे कर रहा है। ये बात हकीकत बात यही है कि यूट्यूब जो है ना वो आपको ज़्यादा पे कर रहा है टिकटॉक के निस्बत पे, क्योंकि टिकटॉक पे अगर आपका बाहर का अकाउंट होता है तो ही वो आपको पे करता है। यूट्यूब पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, पाकिस्तान में आप यूट्यूब चला के आप पैसे बना सकते हैं। अब आते हैं व्लॉग्स की तरफ, जो डेली व्लॉग्स अपलोड करते हैं या कोई से भी व्लॉग अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका व्लॉग 10 मिनट का भी होता है और उस पर 1 लाख व्यू आ जाता है ना, तो आपको फ़ायदा होता है। इतना फ़ायदा होता है कि आप 9 to 5 जॉब करें उससे इतना फ़ायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारी मेहनत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहीं पे आप एक वीडियो अपलोड करें आपको $50 मिल रहे हैं। मेरी एक वीडियो 1 लाख क्रॉस की है, ठीक है, और वो 10 मिनट की अराउंड अबाउट वीडियो थी और उस पर मुझे $50 मिले हैं। तो ये देखें बहुत ही आसान काम है, अगर आपकी वीडियोस पे व्यूज़ आ जाते हैं तो आपको पैसे आपके बनने लग जाते हैं। अब आपको ये है कि हम वीडियोस किस तरह से अपलोड करें, अकाउंट किस तरह से बनाएं। अकाउंट बनाना तो बहुत आसान है, वो मैंने आपको अभी बता दिया है कि आपने किस तरह से बनाना है। अपना अकाउंट बनाने के बाद पोस्टिंग स्टार्ट कर दें। पोस्टिंग बिल्कुल नॉर्मल है, आप YT स्टूडियो, यूट्यूब स्टूडियो होता है, उसको आप डाउनलोड कर लें। उसको डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर अपना जो है व्लॉग जो बनाते हैं आप वहाँ पे अपलोड करें। एडिटिंग आपको आनी चाहिए, एडिटिंग आप कैपकट के थ्रू कर सकते हैं। कैपकट फ्री वर्जन उसका यूज़ कर सकते हैं आप, वैसे आप उसको अगर प्रो वर्जन यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो अब आते हैं उन मुश्किलात की तरफ जो मैंने अकाउंट बनाते हुए फेस किए हैं, और आप लोग भी इन मुश्किलात का सामना आपको भी हो सकता है। तो मैंने कहा मैं आपके साथ डिस्कस करूं, शायद आपको पहले इसके बारे में ना पता हो, बस लोग यही कहते हैं कि हमारा YouTube चैनल बन गया, लेकिन शायद इसको बनाते वक्त जो भी मुश्किलात वगैरह आती हैं वो आपको ना पता हो। तो जब मैंने अकाउंट बनाया था मेरा काम सब ठीक जा रहा था, मतलब ये वाला अकाउंट जिस पे मैं इस वक्त वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, ये अकाउंट मेरा कह लें कि 1.5 साल पहले का है। 1.5 साल पहले मैं यहाँ पर पोस्टिंग करती थी, लेकिन वही जो काम है कि आप हिम्मत हार जाते हैं, तब मेरे व्यूज़ नहीं थे आते, तो मैंने कहा छोड़ो इसको, मैंने इसको स्किप कर दिया और मैं टिकटॉक पे फोकस करने लगी। वहाँ पे मैंने 1 लाख फॉलोअर्स, 1.5 लाख फॉलोअर्स इस तरह से मैंने किए हैं, तो मैंने यूट्यूब को छोड़ दिया था। लेकिन 1.5 साल के बाद दोबारा से, अभी 1 से 2 मंथ हो गया मुझे यूट्यूब दोबारा से स्टार्ट किए, मैंने वही वाला अकाउंट लिया। अब ये नहीं होता कि आप पुराना अकाउंट छोड़ देते हैं तो वो फ्रीज हो जाता है, नहीं, आप जब भी उस पर पोस्टिंग करें अगर कंटेंट अच्छा है आपका तो वो वायरल जाएगा। कुछ हैशटैग्स वगैरह होते हैं वो सभी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पोस्टिंग करना स्टार्ट कर दी, तो एक मेरी वीडियो वायरल गई है जिससे मेरा वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट हो गया। एक वीडियो भी वायरल जाने से आपका वॉच टाइम आराम से कंप्लीट हो जाता है। वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, तकरीबन 1 से 2 हफ्ते का ये प्रोसेस था, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई हो गया था। अच्छा, 1 साल पहले वॉच टाइम कम था, फिर अभी जब हमने दोबारा से शुरू किया ना तो वॉच टाइम ज्यादा हो गया हुआ था। 3 से 4 दिन में मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया था, मतलब कि एक वीडियो वायरल जाने से वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है। कितना वॉच टाइम था मेरा स्टार्टिंग पे, जब मैंने 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था तो मैंने तकरीबन कह लो कि 400 वॉच टाइम पे रोक दी, 400-500 वॉच टाइम। यूट्यूब वालों की कितनी डिमांड होती है कि वो 4000 आपने वॉच टाइम कंप्लीट करना है और 1000 सब्सक्राइबर तो के आपके तो ऐसे कंप्लीट हो जाते हैं। बस वॉच टाइम का मसला होता है, वो आपकी एक वीडियो भी चली जाए ना वायरल तो आपका वॉच टाइम कंप्लीट। इतना ज्यादा वायरल जाने की भी जरूरत नहीं होती, वैसे राउंड अबाउट 15K व्यूज आ जाए उस पर तो आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है। यस, अच्छा, उसके बाद जब मैंने अप्लाई कर दिया ना, उसके बाद मुझे क्या मसला आया मेरा था कि आपने, उन्होंने कहा कि आपने अपना एड्रेस जो है वो वेरीफाई करना है। एड्रेस वेरीफाई करने के लिए वो जिस जो आपके एड्रेस आईडी कार्ड पे लिखा होता है ना, उस एड्रेस पे पिन भेजते हैं, 2 दफ़ा ही आपको पिन भेजते हैं। मैंने इसके लिए अप्लाई कर दिया था, मैंने कहा मैं इसको अप्लाई करके मैं इजी हो गई थी कि मेरा एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा, मुझे पिन रिसीव हो जाएगी तो मैं, मेरा काम ओके हो जाएगा। इसी दौरान मुझे एक और इशू जो है वो फेस करना पड़ा। वो इशू क्या था, ये था कि वो यूट्यूब वाले कहने लग गए कि आप आमना इदरीस ही नहीं है। मैं तो अपनी वीडियो पोस्ट करती थी कि मोनेटाइजेशन कैंसिल कर दी,
मोनेटाइजेशन मेरी कैंसिल कर दी कि आप आमिर इदरीस नहीं है, मेरे पास जो चंद डॉलर्स इकट्ठे हुए थे उन्होंने वो भी ले लिए, कहते हैं कि आप जो है ना आमिर इदरीस नहीं है, आप उनकी चोरी करके वीडियोस लगा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ना अपील वीडियो लगाएं, मैंने एक अपील वीडियो लगाई। इसके अलावा ज़्यादातर मसला ये था कि जो मैंने ना ये करती थी, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मेरा टिकटॉक पे अकाउंट है, मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है ना, और यूट्यूब, इन तीनों पे मेरी मेल डिफरेंट डिफरेंट लगी हुई थी। मैंने इन तीनों पे एक ही मेल की, ठीक है, और मेरा मसला ये हल हो गया। और मैंने साथ में अपील वीडियो लगाई। अपील वीडियो में मैंने यूट्यूब से कहा कि यूट्यूब ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, मैं इस पर पोस्टिंग करती हूँ, मेरा टिकटॉक अकाउंट भी मेरा अपना ही है, इंस्टाग्राम अकाउंट भी मेरा अपना है। देन मैंने उनको ये प्रूफ चीज़ें की तो उन्होंने मेरा अकाउंट जो है दोबारा से मोनिटाइज कर दिया, तो मुझे सुकून मिला कि ठीक है अब मैं मेहनत कर सकती हूँ। सीएस करने का कोई फ़ायदा तो हुआ जिंदगी में को। आपको ये चीजें जो है ना बहुत ज्यादा मायने करती हैं आपके लिए, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या सब सीन है। तो ये था मसला। अब लास्ट मसला मेरा ये रह गया था कि मेरी पिन नहीं थी आ रही, मेरे एड्रेस की पिन नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं यहाँ पर, आपको पता है कि मैं नए घर में शिफ्ट हो गई थी, जो मेरा पुराना घर है वो मेरा दूसरे सिटी में था, और मेरे आईडी कार्ड पे भी ना वही एड्रेस लिखा हुआ था जो मेरे पुराने घर का था। अब मुझे ये था कि मैं तो यहाँ पर हूँ, मेरी पिन कैसे रिसीव होगी? तो आपके पास दो ऑप्शन होती, दो दफ़ा आप ना अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पहली दफ़ा अप्लाई किया, तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के दौरान जो है ना वो पिन नहीं आई थी, ठीक है, तो मैं ज़रा सैड थी कि पता नहीं मेरी पिन आएगी भी या नहीं। तो देन मैंने दूसरी दफ़ा मैंने अप्लाई किया पिन के लिए। तो दूसरी दफ़ा मैंने अप्लाई किया, मैंने ना जो पोस्ट डिलीवर करते हैं मैं उनके साथ रबते में रही। तो आपकी भी अगर पिन का मसला आ रहा है तो सबसे पहला काम ये करेंगे, जो पोस्ट डिलीवर करते हैं ना आपके, पोस्टमैन जो होते हैं डाकिया, उनके साथ आप कॉन्टैक्ट में रहें, उन्हें बताएं कि भाई हमारी पिन आनी है, क्योंकि ये ऐसी पिन होती है जिसके पास ऊपर ट्रैकिंग आईडी नहीं लगी होती, आपको नहीं पता चलता कि ये इस वक्त कहाँ पहुँची है, किस सिटी में है, इस वक्त नहीं पता चलता। लेकिन आपको 3 से 4 दिन तक ये डिलीवर हो जाती है। आप अपने पोस्ट ऑफिस बार बार चक्कर लगाने से बेटर यही है कि आप अपने पोस्टमैन से कॉन्टैक्ट में रहें कि अगर आप हमें हमारी पिन आपके पास आए तो आप हमें भेज दें। तो मैंने भी यही किया, पोस्टमैन को मैंने रबते में रखा, और मैंने उसको डेली मैं उसको कॉल करती थी और मैं कहती थी ये पिन मेरी इंपॉर्टेंट है तो मुझे दे देना। सेकेंड टाइम जो भी मेरी पिन थी वो आसानी से बहुत जल्दी मेरी आ गई और मुझे ज़रा सुकून मिला। तो ये देखें, ये मेरी पिन है, ये गूगल एडसेंस की पिन होती है, ये वेरीफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जब ये पिन आपकी आ जाती है आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाता है और आपको पेमेंट आ जाती है। अब इंशाल्लाह मेरी पेमेंट जो है वो बहुत जल्द रिसीव होगी, आपको उसी पे भी व्लॉग लाजमी मिलेगा कि मेरी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम आ गई। टिकटॉक इनकम के बारे में मैंने आपको बताया था, वो इनकम मेरी काफ़ी देर बाद आई थी और काफ़ी कम पैसे थे, जितने भी थे लेकिन इतने भी किसी को नहीं मिलते हैं अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो बाकी ये था सब, ये मसले मुझे पेश आए थे। अब जो है मेरा अकाउंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी स्टेज पर है, यानी कि उस पर व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, और इसी तरह आप मुझे लाइक करते रहना है। अगर आपको कोई भी इशू हो यूट्यूब बनाने में आप मुझे आके बताना है, मैं आपको जो है ना प्रॉपर गाइड कर दूंगी। और कमेंट में अपने इशूज़ बता दें मुझे, जो भी आपका इशू हुआ मैं आप सबके कमेंट जो है वो लाजमी देखती हूँ, और जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको अपने माइंड में जो है नोट कर लेती हूँ, देन आपको वीडियो की फॉर्म में आपको रिप्लाई लाजमी मैं करती हूँ। तो ये थी मेरी यूट्यूब की जर्नी, और होप्स हो कि आपकी यूट्यूब की जर्नी भी ठीक रहेगी। आपको अगर मसले आएंगे तो आपने मेरी तरह परेशान नहीं होना। तो बताई नहीं क्या वो जो आप सुबह उठती नहीं है व्लॉग बनाने के लिए, हम कहते हैं आमना उठ जाओ वो ये होता है हमें फेस आई हर्डल्स ये। हाँ, कैमरामैन जो है वो फिर हमें कहती है कि आप व्लॉग बना रहे हैं तो मुझे पता नहीं, आमना का सुबह उठ के ना मूड बड़ा ही खराब होता है, मैं नहीं बना रही, मेरा चैनल बंद कर दो, मेरी बात सुनो। वो अक्सर सुबह सुबह बंदा उठाता है तो चिड़चिड़ा होता है, उसके माइंड में कोई नई इस तरह का काम वगैरह, दिल करता है बस सोए रहे, मायूसी चाहिए होती है। चाहिए ना आपको कि रात को सोचो क्या सुबह बनाना है। मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है तो ऑब्वियसली मैंने टाइम से उठना करना है, टाइम से यूनिवर्सिटी जाना करना है, टाइम से ब्लॉग मैंने बनाना करना है, लास्ट मैंने ये सब काम करने हैं। वो वाली बच्ची है, वो जो बच्चे कहते हैं ना कि पेपर आएंगे तो पढ़ लूंगा, बस यही तो है, 2-3 चैप्टर है मैंने फौरन कर लेने हैं, ऐसी बात है। तो अब आपने मुझे ऐसे ही सपोर्ट करना है और मेरी वीडियोस को आपने लाइक करना है। व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।